एक्शन, एडवेंचर, थ्रिल, सस्पेंस, क्राइम, लव, रोमांस और मिस्ट्री वाली वेब सीरीज जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज इस वीडियो में हम काउंटडाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज जो कि जून जुलाई के महीने में रिलीज हुई है। इन सारे वेब सीरीज में आपको वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो आप एक वेब सीरीज से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और सबसे खास बात कि ये सीरीज हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई है, तो अगर आप उन लोगों में से हो जिन्हें हर नई सीरीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इन सीरीज में से बहुत सारी सीरीज आपको फ्री में ही देखने को मिल जाएगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरी आवाज़ को पहली बार सुना होगा वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी इस वीडियो के नए सब्सक्राइबर है वो कमेंट में न्यू सब्सक्राइबर कमेंट कर देना। नंबर 10, चार्ली चोपड़ा। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है जो कि सीटाफोर्ड मिस्ट्री नॉवेल्स पर आधारित है, और इसको विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया है। और इसमें आपको कई बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेसेस देखने को मिल जाएंगे। सीरीज की स्टोरी हिमाचल प्रदेश में सेट है, जहाँ पे एक ब्रिगेडियर का मर्डर हो जाता है जिसका सारा ब्लेम जिमी पे आ जाता है, क्योंकि ब्रिगेडियर के मरने से पहले वो जिमी से मिला होता है और जिमी चार्ली चोपड़ा का फियांसे होता है। तो मर्डर किसने और क्यों किया होता है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए। अब तक इस सीरीज़ का सिर्फ एक ही एपिसोड आया है, जिसे देख के लगता है कि एक बेस्ट मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज़ होगा विद गुड ट्विस्ट एंड टर्न्स। ये सीरीज़ आपको सोनी लिव ऐप पे देखने को मिल जाएगी और बाकी एपिसोड जल्द ही देखने को मिल जाएगा। नंबर 9, राजनीति। ये एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है जिसकी स्टोरी राशि नाम की एक लड़की की है जिसके पापा बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन होते हैं। एक दिन राशि की कार का एक्सीडेंट हो जाता है, वो अपनी मेमोरी पूरी तरीके से लॉस कर देती है, यहाँ तक कि वो किसी को पहचान तक नहीं पाती। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और सच का पता लगाने लग जाती है। वो अपने कार एक्सीडेंट का ट्रूथ पता करने लग जाती है, आखिर उसका कार एक्सीडेंट कैसे हुआ होता है, किसी ने करवाया होता है या खुद से हुआ होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में जो डर्टी पॉलिटिक्स दिखाई गई है वो आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि कोई गद्दी पाने के लिए कितना गिर सकता है। सीरीज़ फास्ट फेस की है जो कि आपको कहीं बोर नहीं फील कराती। इस सीरीज़ को आप वन टाइम वॉच कर सकते हो। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड हैं जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं। नंबर 8, शैतान। ये क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी बाली और उसकी फैमिली के अराउंड घूमते रहती है। सीरीज़ में दिखाया गया है कि बाली की फैमिली बहुत ही गरीब है, उसकी माँ जैसे तैसे घर चला रही होती है। एक दिन उसकी माँ और बहन के साथ एक पुलिस वाला कुछ ऐसा कर देता है जिसके बाद बाली कुछ ऐसा कर देता है कि उसको जेल जाना पड़ता है, जिसके बाद वो क्राइम की दुनिया में एंटर कर जाता है। वो कौन से क्राइम करता है और कौन सी है वो चीज़ें जो बाली को शैतान बनने पर मजबूर करती है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस सीरीज़ का बजट थोड़ा लो है और एग्जीक्यूशन भी उतने अच्छे तरीके से नहीं किया गया, जिस वजह से यह सीरीज़ थोड़ी एवरेज है। सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंस है और गाली और एडल्ट सीन तो पूछो ही मत। सीरीज़ उस टाइप की सीरीज़ है। इस सीरीज़ में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 30 मिनट लंबे हैं। नंबर 7, मोहनगर सीज़न 2। मोहनगर सीज़न 1 की स्टोरी को ऑडियंस ने इतना पसंद किया था कि अब इसका सेकेंड सीज़न आ गया। सेकेंड सीज़न की स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहां पे सीज़न 1 एंड हुआ था। ओसी हारून को जेल जाना पड़ता है, पर वहां पे कुछ इन्वेस्टिगेटर ओसी हारून की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सीज़न 2 में ओसी हारून की पास्ट और प्रेजेंट लाइफ को दिखाया गया और अफनान के डार्क सीक्रेट दिखाया गया। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। लोगों ने सीज़न 1 के सस्पेंस और थ्रिल को पसंद किया था, वो सीज़न 1 में थोड़ा मिसिंग दिखाई देता है। फिर भी ओवरऑल ये एक बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज़ है। इस सीरीज़ को आप बिना सोचे समझे ट्राई कर सकते हैं। ये सीरीज़ आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसका सीज़न जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिल जाएगा और सेकेंड सीज़न भी जल्द ही जियो सिनेमा पे देखने को मिल जाएगा। सेकेंड सीज़न में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे हैं। नंबर 6, रफू चक्कर। ये क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसकी स्टोरी एक कॉन मैन की है, मतलब कि एक ठग है जो भेष बदल बदल के लोगों को ठगता है, और ऐसा करके वो अब तक कई करोड़ों का चूना लगा चुका होता है। कभी वो किसी बिजनेसमैन की बेटी को अपने प्यार में फंसा लेता है, तो कभी वो जिम ट्रेनर बन के लूटता है, तो कभी किसी और तरीके से वो लूटने का काम करता है। अब तक उसने कई लोगों को ठगा होता है, वो रूप बदलने में माहिर होता है, तो क्या वो एंड तक पकड़ा जाएगा या नहीं,
ये तो आपको सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगी। इसी टाइप की एक और सीरीज आई थी मत्स्यकांड, अगर आपने वो सीरीज अब तक नहीं देखी होगी तो आप इस सीरीज को स्किप करके उसको देख सकते हो। इस सीरीज को मत्स्यकांड की सस्ती कॉपी भी बोल सकते हो। सीरीज के लीड में आपको मनीष पॉल देखने को मिलेंगे, जिन्होंने इस सीरीज में कमाल का काम किया और ये सीरीज आपको टाइम टू टाइम हंसाने का भी काम करती है। तो आप कोई लाइट वेट क्राइम ड्रामा ढूंढ रहे हो तो ये सीरीज आपको ट्राई करनी चाहिए। सीरीज में टोटल 9 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। मैं सब ठीक कर दूंगा। इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। नंबर 5 द ट्रायल, ये कोर्टरूम ड्रामा वेब सीरीज है, लेकिन कहानी सिर्फ कोर्टरूम की नहीं है, कहानी है नयनिका सेन गुप्ता की जो कि काजोल है। नयनिका का पति एक जज है, लेकिन उस पर ये इल्ज़ाम होता है कि उसने घूस के तौर पे सेक्सुअल फेवर लिया होता है और अब उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज कर दिया गया होता है और वो जेल में होता है। इधर नयनिका अपने दोनों बेटियों के साथ अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रही होती है। वो एक खुद टॉप लेवल की लॉयर होती है, लेकिन ये काम उसने बहुत पहले ही बंद कर दिया था और अब उसकी हालत ऐसी है कि एक बार उसको वापस लॉयर बनना पड़ता है, जिसके लिए वो एक पुराने दोस्त की मदद से एक अच्छे लॉ फर्म में जॉब पर लग जाती है, लेकिन उसको सबसे नीचे का पोस्ट मिला होता है और इधर उसका पति का लॉयर भी बिक चुका होता है। तो क्या अब नयनिका अपने पति का केस हैंडल करेगी और वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे हैंडल करेगी, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। अगर आपको कोर्टरूम ड्रामा पसंद है या तो आप काजोल के डाई हार्ड फैन हो तो ही ये सीरीज़ देखना। सीरीज़ हॉटस्टार पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। 10 करोड़, the sum offered only stands for the next 5 minutes, Mr. Vashish. Number 4, Kafas. इस सीरीज की स्टोरी थोड़ी बहुत खास है क्योंकि आज तक ऐसे कॉन्सेप्ट पे जितनी भी मूवीज या वेब सीरीज बनी है वो हमेशा फीमेल्स के अराउंड ही लिखी गई है और ऐसी प्रॉब्लम लड़कों के साथ भी हो सकती है, ऐसा सोचना भी मुश्किल है। स्टोरी की शुरुआत एक ऐसे फैमिली से होती है जिसमें कपल है राघव वशिष्ठ और सीमा वशिष्ठ, इनका बेटा है सनी। सनी को फॉर्चुनेटली एक बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार विक्रम बजाज के साथ मूवी में काम करने का मौका मिलता है, लेकिन उसको भी ये नहीं पता कि ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए जीवन भर का सदमा बनने वाला होता है। उसके साथ वहाँ सेट पे कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो सदमे में चले जाता है और सब कुछ अपने घर पे बता देता है। लेकिन अब इस मिडिल क्लास फैमिली के पास कुछ ऐसा सिचुएशन है कि एक तरफ उनके बेटे की इज्जत है और दूसरी तरफ 10 करोड़ रुपये, और सवाल ये है कि ये मिडिल क्लास फैमिली 10 करोड़ रुपए लेगी या अपने बेटे के इज्जत के लिए लड़ेगी। लेकिन 10 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, वो भी खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो अब ये फैमिली क्या डिसीजन लेगी और सबसे ज़रूरी ऐसा उस लड़के के साथ क्या हुआ होता है कि वो लोग 10 करोड़ तक देने के लिए तैयार होते हैं, ये सब तो आपको सीरीज़ देख के ही पता चलेगा। सीरीज़ सोनी लिव ऐप पर अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 6 एपिसोड हैं जो कि 40 से 42 मिनट लंबे हैं। टॉप 3 की वेब सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको अब तक इस वीडियो में कुछ भी अच्छा या बुरा लगा होगा तो कमेंट करके बता देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 3 ब्यूटीज़ की ट्रायंगल लव स्टोरी। हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे है जलबीन मछली। इस सीरीज़ को उसी मेकर्स ने बनाया है जिन्होंने गोरा, हेलो और इंदू जैसी मास्टरपीस थ्रिलर वेब सीरीज़ को बनाया है। कहानी 4 औरतों की है जो कि हर संडे को एक कैफे में मिलकर आपस में बातचीत करते हैं, और इन चारों में से एक लेडी है जिसका उसके पति के साथ कुछ अच्छा चल नहीं रहा होता है और अब उन लोग का डिवोर्स होने वाला होता है। तो वो लेडी बाकी उन तीनों लेडीज़ को बोलती है कि तुम लोग को भी अपने पति के लॉयल्टी को चेक करना चाहिए। तो अब ये चारों मिलके एक गेम प्लान करते हैं जिसके अकॉर्डिंग ये चारों मिलके एक दूसरे के पति को सेड्यूस करने का ट्राई करने वाले होते हैं, लेकिन इनके पतियों को नहीं पता होता कि ये इनके साथ एक गेम हो रहा होता है। लेकिन आगे जाके सीरीज़ में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है और वो ट्विस्ट क्या है वो जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी बहुत ही इंगेजिंग है, ये सीरीज़ आपको कहीं पे भी बोर नहीं फील कराती। ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है जो कि 20 से 25 मिनट लंबे होंगे। अपने बच्चे दे कातल नु कुछ कहना चाहोगे? चलो साहब, चलो साहब। नंबर 2, कोहरा। ये एक मर्डर मिस्ट्री है जिसकी स्टोरी एक मर्डर और 2 पुलिस वालों के अराउंड घूमते रहती है। सीरीज की शुरुआत पंजाब के जगराना गाँव से होती है जहाँ पे खेत में ग्लास मिलती है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि कोई NRI था जो पंजाब में शादी करने आया था और शादी से एक रात पहले ही उसकी मौत हो जाती है। बस अब इस चीज़ के बाद चालू होता है इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि एक NRI मरा होता है और दूसरा गायब होता है, और अब पुलिस हर पॉसिबल सस्पेक्ट से पूछताछ कर रही होती है। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है वैसे वैसे कई और मिस्ट्रीज सामने आने लगता है, कहानी धीरे धीरे डार्क होने लगती है और अब कई और एंगल्स भी सामने आने लगते हैं।
जिसमें एक बिखरता परिवार है, ड्रग्स में लिपटा पंजाब है, दो ईमानदार पुलिस ऑफिसर है, पंजाब के गांव की मेंटेलिटी है। एक टाइम पे ये सीरीज इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर लगती है, लेकिन हर मोड पे एक रहस्य है और सवाल अब भी वही है कि उसका मर्डर किसने और क्यों किया होता है। ये जानने के लिए आपको 6 एपिसोड वाली ये सीरीज नेटफ्लिक्स पे देखनी होगी और हर एपिसोड की लंबाई 45 से 50 मिनट की है। नंबर फर्स्ट अधूरा। अगर आप कोई सुपर नेचुरल हॉरर सस्पेंस थ्रिलर सीरीज ढूंढ रहे हो तो इससे अच्छी सीरीज कहीं नहीं मिलेगी। सीरीज की स्टोरी दो टाइमलाइन में सेट की गई है, पहला टाइमलाइन 2007 का और दूसरा 2022 का। और जिस तरीके से इस सीरीज में पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ के दिखाया गया वो आउटस्टैंडिंग है। कहानी ऊटी के घनी वादियों में बसी एक स्कूल से शुरू होती है, जिसको देख के ही कहानी हॉन्टेड मालूम पड़ती है। सीरीज में सुपर नेचुरल चीज़ें तब होना चालू होती है जब इस स्कूल में 2007 का एक पुराना बैच रीयूनियन के लिए आया होता है। इस बैच के अधिराज और स्कूल के 10 साल के बच्चे वेदांत में कुछ मिस्टीरियस सा कनेक्शन है। वेदांत को लोग मेंटली डिस्टर्ब समझते हैं और उसकी हरकतें भी कुछ वैसी ही हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा होता है उसके पीछे या तो वेदांत या उसके शरीर से कोई ये सब करवा रहा होता है। सीरीज में आत्मा, भूत प्रेत, पास्ट और प्रेजेंट सब कुछ है और इसको आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहिए। यकीन मानो इस सीरीज की स्टोरी और विजुअल्स ही आपको डराने के लिए काफ़ी है। और यकीन नहीं होता तो एक बार सीरीज वॉच करके देख लो। सीरीज प्राइम वीडियोस पे अवेलेबल है। सीरीज में टोटल 7 एपिसोड है और हर एपिसोड 40 से 45 मिनट का होगा। ये थी हमारी टॉप 10 ऐसी वेब सीरीज जो कि आपको देखनी चाहिए। अगर आप में से किसी ने इसमें से कोई भी सीरीज देख के कंप्लीट कर ली होगी तो कमेंट करके बता देना। और मूवीज और वेब सीरीज से जुड़े और वीडियोस के लिए आप इन सारे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो।